स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश भर में छठ पूजा की धूम है। चार दिन तक चलने वाले इस बड़े त्योहार को लेकर हर मन में उत्साह है। और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो राजधानी लखनऊ में आदि माँ गोमती नदी के किनारे बेहतर इंतजाम किए गए हैं, जिसका निरीक्षण खुद उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नगर विकास मंत्री ए के शर्मा लखनऊ के प्राचीन घाटों में एक कुड़िया घाट पहुंचे और वहां तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त के अरविंद राव, जोनल अधिकारी मनोज यादव सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने सी न्यूज से खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। छठ पर्व का पावन त्यौहार है और यहाँ पर कुड़िया घाट के भी दिन बहुनने वाले हैं, क्योंकि नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने संकल्प लिया है इसके दिन बहुनने का, बेहतर करने का। तैयारियाँ पूरी छठ की और यहाँ पर लगातार प्रयास जारी हैं कि आम जनता छठ का त्यौहार धूमधाम से मनाए। क्या बोलें, छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। कल नहाए खाए का कार्यक्रम हुआ, आज खरना का कार्यक्रम और आने वाले दो दिन घाटों पर बिताने का, जो शाम का अर्घ्य और फिर सुबह का अर्घ्य परसों का देने का। छठ के सभी श्रद्धालुओं को मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आपने जैसा कहा कि लखनऊ का ये कुड़िया घाट एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल है, लखनऊ का धार्मिक स्थल है। यहां छठ के श्रद्धालु भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। पिछले साल मैं आया था तो थोड़ा मुझे निराशा हुई थी, थोड़ा कम व्यवस्थाएँ मुझे लगी थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी में कुछ काम करवाए थे। इस साल पहले से हम लोग सजग थे तो थोड़ा बेहतर व्यवस्था हुई है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पानी का बहाव यहाँ आके रुक जाता है एक बंधा होने की वजह से, और इसलिए पानी में थोड़ा ठहराव होने की वजह से पानी में थोड़ी काई और गंदगी स्वाभाविक रूप से यहाँ दिखती है। उसे साफ करना, घाटों पर अच्छी व्यवस्था करना, ये सब प्राथमिकता के काम होते हैं जिसको किया गया है। और इस साल बेहतर अनुभव हमारे छठ के श्रद्धालुओं को यहाँ हो, इसका पूरा हमने इंतजाम किया है, पूरा प्रयास किया है। साथ ही इस घाट के विकास के लिए लंबे समय के दीर्घकालीन विकास की दृष्टि से हमने लगभग 3 करोड़ रुपया यहाँ के इस घाट के विकास के लिए हमने मंजूर किया है। आने वाले वर्ष में शायद और भी बेहतर अनुभव हम सबको इस घाट पे होगा। इस बार आने वाले सभी छठ के सभी श्रद्धालुओं को इस घाट पर आने वाले और सभी घाटों पर लगभग 75 जगहों पर लखनऊ नगर में छठ का पर्व मनाया जा रहा है, तो उन सभी 75 जगहों पे हम लोगों ने जो आवश्यक इंतजाम थे बिजली विभाग की ओर से, नगर विकास विभाग की ओर से किए हैं। और मैं सभी को एक दिव्य और भव्य छठ की शुभकामनाएं देता हूँ। सवाल हो रहेगा, जो मंत्री के द्वारे होते हैं, परिवर्तन होते, बदलाव होते, अच्छा होता है, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बढ़ाई जाएँ जिससे कि जो आपकी सोच है प्राचीन स्थल है इसको और बेहतर किया जाए, पर्यटन क्षेत्र में और बेहतर कर सकते? मैंने यही कहा कि ये घाट यहाँ का लखनऊ की एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन कुछ समय से इस पर शायद ध्यान कम गया है। आने वाले दिनों के लिए विकास के लिए मैंने 3 करोड़ रुपया इसमें मंजूर किया है और आने वाले वर्ष में और बेहतर होगा, और भी अगर आवश्यकता होगी तो धन की कमी नहीं होने दिया जाएगा, इसका पूरा विकास करके। मेरी दिल की इच्छा है, मेरे मन की इच्छा है कि इसे लखनऊ के एक प्रख्यात और प्रमुख पर्यटन स्थलों की तरह स्थापित किया जाए। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि अगर मंत्री जी आते रहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के दिन बहुत रहेंगे। निश्चित रूप से हम आते भी रहेंगे और यहाँ का विकास भी होगा। तो कुड़िया घाट के दिन बहुत रहेंगे क्योंकि यहाँ पर ए के शर्मा ने संकल्प लिया है। ये संकल्प कितना कारगर होगा वो समय बताएगा, पर एक बात तो स्पष्ट है, जहाँ मेहनत होती है वो रंग जरूर लाती है। चेयरपर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। छठ का पर्व तैयारियां पूरी है और नगर आयुक्त रंजीत सिंह लगातार मेहनत करते रहते हैं, क्या कहेंगे छठ पर्व को लेकर तैयारी? नहीं, पूरा जिला प्रशासन किस काम कर रहा है और अभी जो है हमारे 75 पॉइंट है पूरे लखनऊ में। हमारे जो मेन फंक्शन है वो लक्ष्मण मेला ग्राउंड है, जहाँ अभी हम कर रहे हैं कुड़िया घाट यहाँ पे है, झूलेलाल वाटिका में है। इसके साथ साथ टोटल 75 पॉइंट्स है और पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं, सफाई व्यवस्था, लाइटिंग, सिक्योरिटी, बैरिकेडिंग, और इसके साथ साथ जो हमें सफाई कर्मचारी डिप्लॉय करने थे, डस्टबिन लगाने थे, वो सारा नगर निगम द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है। अलग अलग विभागों से कोऑर्डिनेशन है, पानी की सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और डिसइंफेक्टेंट किया जा रहा है ताकि कोई भी किसी तरह का कोई इशू ना। काबिल तारीफ है, मेहनत बहुत की है,
पर आपको लगता है कि कुछ मेहनत अगर रूटीन में बनी रहे हाँ। तो कुछ और बेहतर परिणाम आएंगे क्योंकि लगातार सक्रिय हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हम जो है सिस्टम प्लेस हो, रूटीन में काम हो, उस पर भी वर्क चल रहा है। हमारे जो अगर आप सफाई पे अगर मैं एक थोड़ा ब्रीफ भी देना चाहूँगा कि 8 जून के जो हमारे टेंडर्स थे वो सब फाइनल हो गया। अब अगले 6 महीने में जब वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे सारे तो रिजल्ट्स दिखेंगे उसके, और पूरा एक जितने भी कर्मचारी जब डिप्लॉय हो जाएंगे तो आपको रिजल्ट उसके दिखेंगे। गाड़ियाँ सारी जब आ जाएगी, अभी 640 गाड़ियाँ हमारी चल रही है, लेकिन जब अभी 500 और बढ़ाएंगे फिर उसके बाद जितनी नीड हुई उसको बढ़ाएंगे। एक सवाल और रहेगा, आप लगातार काम करते हैं सक्रियता, कोई इसमें दो राय नहीं है, पर हमने देखा तमाम जगहों पर नगर निगम की जो पुरानी गाड़ियाँ जो कॉम्पैक्टर हैं वो अभी भी खड़े हुए हैं और वो रोड पर खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ये नुकसान भी है उनको, या फिर लगाया जाए या फिर उनको वहाँ से हटाए, क्योंकि उनका कूड़ा भरा हुआ है, मच्छर भी बैठते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब सुधार की आवश्यकता है। नहीं, कंपैक्टर्स के रिप्लेसमेंट के लिए भी जो हमारा टेंडर था वो भी प्लेस्ड है, क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि पूरे शहर का जैसे जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो हम फेज़ मैनर में जा रहे हैं। अभी जोन 4 पे वर्क चल रहा है जो हमारा कम्प्लीट होने वाला नेक्स्ट 10 डेज में, फिर बाकी जोन का हम लोग साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। वो भी सारी चीज़ें अब रिप्लेस होकर नए लगेंगे और सारे का सारे सिटी का ओवरहॉल हम लोग करेंगे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।